वेलकम टू माय चैनल। हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर नीट। यहाँ पर जो हमारा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का नीट के लिए अपकमिंग अपडेटेड क्वेश्चन के साथ में अपडेटेड क्वेश्चन। हम यहाँ पर जो तैयारी करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज। जैसे मैं यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करूँगा, पहला उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसे आपको पता है कि फिज़िक्स के अंदर आपके 45 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, और जिसमें से अप्रोक्स 40 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं अगर आपने सही पढ़ा हुआ है। हेयर वी विल डिस्कस ऑन द स्मार्ट स्टडी बिसाइड ऑफ हार्ड स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का ये मतलब है हमारा कि जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आस्क होते हैं, वो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये यहाँ पे कंसेप्ट नहीं चलता। आपको पता होना चाहिए कि विच टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, कौन से टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा जाता है। 20 साल के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, टिप्स पे पूरी तरह से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा इस सीरीज़ को, और बेसिक से लेके एडवांस तक। एडवांस तक तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं एक चैप्टर लूँगा नंबर वन। मैं इसको रेडी ले लेता हूँ, एक चैप्टर लूँगा नंबर वन, जैसे मैंने मान लिया इलेक्ट्रोस्टेट। तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि एक तो मैं आपको वहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देते रहूँगा हमेशा, साथ में डायरेक्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको उसकी थ्योरी करा दूँगा। थ्योरी का मतलब क्या है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि आप इसके डेरिवेशन भी पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस तो हम साथ साथ करते रहेंगे, साथ में इसके मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा उसकी पूरी। तो ये सब आपके पास रहेगा पूरा मटेरियल। तो इस तरह से हम चीज़ को स्टार्ट करेंगे। 90.99% जो क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे आपको डायरेक्ट ही पेपर में दिख जाएंगे, पेपर में आपको मिल जाएंगे नीट के। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन में आपको अपना दे देता हूँ स्टार्ट करने से पहले कोई चीज़ को। माय नेम इज़ तरुण कुमार गौतम एंड आई हैव टीच्ड नीट एग्ज़ाम कंपटीशन सिंस 10 ईयर्स, और हमदर्द के अंदर स्टडी सर्कल सेंटर के अंदर मैं वहाँ पर फैकल्टी हूँ। मेरी बुक आती है, नाम है उसका मिरर ऑफ फिज़िक्स फॉर नीट। काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, पर मैं आपको सारा यहीं पढ़ा दूंगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। तो दूसरी बात एक ये है कि यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको वो डिटेल में पढ़ाऊँगा, ये नहीं कि शॉर्ट में करा दिया आपको। ऑल टॉपिक टच होंगे सारे,
स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद क्वांटिटी पे नहीं है, हमारा मकसद क्वालिटी पे है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है आपका पेशेंस। धीरे धीरे पढ़ते रहो, आराम आराम से पढ़ते रहो, अच्छा अच्छा पढ़ते रहो, समझ समझ के पढ़ते रहो, और क्या पढ़ा ये आपको बहुत ज़रूरी है। मेरे नोट्स आपको मिलते रहेंगे सारे, वीडियोस आपको सारी मिलती रहेंगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी मिलेंगी। तो जब आप ये तीनों सारों कर लोगे आप सारे, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेन बात इसके अंदर ये भी है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको रिवीजन कितना है, मैंने आपको बता दिया, आज आपको याद है, पर मेन बात है आपको पेपर के दिन याद हो। इसीलिए द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, जिसे मैं कहता हूँ रिवीजन। रिवीजन आपके टिप्स पे है, आप याद कर रहे हो टॉपिकों को, तो आप इससे कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके पेपर के बारे में। हम आराम आराम से, जैसे आज है हमारे पास फेब 2024, ठीक, मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगा, जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, जैन, फेब और मार्च, मई। अगर आप अप्रोच अप्रोच देखोगे ना, आज से आपके पास टोटल मिला के 14 to 15 मंथ है, और जो बहुत ही सफिशेंट है फॉर क्लियर एग्ज़ाम। पढ़ना क्या है, नोट्स कौन से देने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या याद करना है, वो सारा आपको मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में वो आप अपने हिसाब से, जिससे भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, आप उनकी हेल्प लीजिए। ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में, और हमारा ये रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर तक इसको पूरा कंप्लीट करके इसमें आप सिलेक्शन लेके से क्लियर करो। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रो स्टैटिक। हम यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, थ्योरी हम वो पढ़ेंगे जो हमें ज़रूरत है, विच इज़ नीडिड। वी विल डू डायरेक्ट क्वेश्चंस, और साथ साथ मैं इसकी थ्योरी बताता चले जाऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ में आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। जब भी आप करो, वीडियो को पॉज करो, अपने नोट्स हाथों हाथ बना लो। मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किसी क्वेश्चन को इतनी जल्दी ख़त्म करते हो फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर सब्जेक्ट था, हमारा टाइम था, एक डिस्कशन था, मैंने बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा तरीका रहेगा, मैं क्या हूँ, मैं कैसे बताता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, और किस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बात थी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।